हेलो गाइस, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह एक कंटेंट और लेकर के आऊँ गाइस। तो मैं आज आपका जो कंटेंट है मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ये जो कभी भी ये एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है, पहले मैं इस प्रॉब्लम के बारे में आपको बता दूँ। जो आप सामने ये प्रॉब्लम को देख रहे हैं, ये जनरली बेसिक कंप्यूटर में भी होता है, ये कंप्यूटर से ही होता है। और ये जब आप विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 या विंडोज़ 8 जब ये अपडेट हो जाता है तो भी ये प्रॉब्लम आता है। बाकी ये पर्टिकुलर ये मेरा वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि जब हम टेक्निकल लाइन में, क्योंकि ये हमें और बेसिक कंप्यूटर लैपटॉप के बारे में मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता हूँ, ये मेरा बेसिक जो हमारा टेक्निकल लाइन से रिलेटेड है मैं उससे रिलेटेड वीडियो को बनाता हूँ। तो काफ़ी प्रॉब्लम आता है गाइस की आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब भी कभी हम मीडियाटेक सीपीयू को हम अनलॉकिंग करने जाते हैं, चाहे वो यूएमटी से हो चाहे वो अनलॉक टूल से हो, तो जैसे उसको हम कमांड को प्रेस करते हैं गाइस, तो ये इस तरीके से आइकन आ जाता है, योर डिवाइस रन इनटू ए प्रोग्राम एंड नीड्स टू रिस्टार्ट। तो ये ऐसा एक मैसेज करके हमारा पीसी जो है वो रिस्टार्ट होने लगता है। तो ये रीज़न मैं यहाँ पे इसका सोल्यूशन बताने वाला हूँ कि ये लास्ट एंड तक वीडियो देखिएगा, मैं इसके फाइनली पूरे सोल्यूशंस को बताऊंगा कि इसमें आप क्या क्या चीज़ कर सकते हैं जिससे आपका ये प्रॉब्लम नहीं आएगा गाइस। ये ज़्यादातर विंडो अपडेट हो जाता है तो भी ये प्रॉब्लम आता है, और सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। तो ये हमारा टेक्निकल लाइन से रिलेटेड है, बट अगर आप वीडियो ये बिना टेक्निकल लाइन से रिलेटेड, बिना आपके किसी पीसी में भी ये एरर आता है गाइस, तो आपको जो ये स्टॉप कोड दिखाई दे रहा है, स्टॉप कोड को एनी एरर और फॉल, इसको आपको गूगल में सर्च करना है तो आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा कि आपके हार्डवेयर से प्रॉब्लम है कि आपके सिस्टम से कहीं प्रॉब्लम है। ये आपका ये ऐसा नहीं कि यही कोड लिख करके आएगा, बहुत सारे कोड लिख करके आते हैं स्टॉप कोड, मतलब जो ये प्रॉब्लम होगा गाइस। तो आपको क्या करना है, इसको गूगल में टाइप करना है, ये नहीं जो अभी आपके पीसी में आएगा उस एरर को आपको गूगल में टाइप करना है और आपको फाइंड आउट हो जाएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे टेक्निकल लाइन से रिलेटेड, अगर आप मोबाइल फील्ड में सॉफ्टवेयर का काम करते हैं और सॉफ्टवेयर का काम करते समय ये एरर आपको फेस होता है तो हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखते हैं गाइस। तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहें, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस चलिए मैं प्रॉब्लम को बता दूं कि जब कभी आप अनलॉक टूल या यूएमटी को यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे आप उसको कमांड दे देते हैं गाइस, तो क्या होता है, जैसे ही पोर्ट हमारा फ़ोन को जैसे हम कनेक्ट करते हैं, जैसे फ़ोन को कनेक्ट करते हैं तो ये प्रॉब्लम आ जाती है जो कि हमने शुरू में बताया हुआ है। तो ये मैंने एक अपने स्टूडेंट का ही कनेक्ट किया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरे स्टूडेंट का ही है, जैसा आप यहाँ पे देख लो बैकग्राउंड में मैंने कनेक्ट किया हुआ है। तो गाइज़ ये जैसे उन्होंने कनेक्ट किया फ़ोन को तो ये उसी तरीके का मैसेज आ गया, हमारा रिस्टार्ट का ब्लू स्क्रीन आ गया। वो ब्लू स्क्रीन आ करके वो देखिए अभी जब टीम व्यूअर में था तो अभी ये हमारा ये डाउन मतलब ब्रेक हो जाएगा, मतलब यहाँ पे भी कनेक्शन फेल हो जाएगा क्योंकि वो वहाँ पे जो पीसी है वो रिस्टार्ट हो चुका है, वहाँ का जो लैपटॉप है वो रिस्टार्ट हो चुका है गाइज़। तो ये देख सकते हैं उसके बाद जब ये रिस्टार्ट हो गया तो चलिए इसके प्रॉब्लम को हम सॉल्यूशंस को करते हैं कि हम इसके सॉल्यूशंस को क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो फटाफट जो मैं फॉलो कर रहा हूँ आपको भी वही चीज़ फॉलो करनी है गाइस। तो यहाँ पे आपको डिवाइस मैनेजर को ओपन करना है। डिवाइस मैनेजर ओपन करने के बाद ये जो प्रॉब्लम होता है गाइस कि जब हमारा मीडियाटेक का ड्राइवर और ली बस का जो ड्राइवर होता है उसको ये डाउनग्रेड हो जाता है, मतलब ओल्ड वर्जन होता है, तो ये प्रॉब्लम आता है गाइस मीडियाटेक से रिलेटेड। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है अपने प्रोग्राम में जहाँ पे हमारा कंट्रोल पैनल होता है, वहाँ पे जहाँ हमारी ये इंस्टॉल होता है वहाँ पे आपको क्या करना है गाइस कि जितने भी मीडियाटेक से रिलेटेड ड्राइवर हैं आपको सारे ड्राइवर को कर देना है अनइंस्टॉल। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे जितना भी मीडियाटेक से रिलेटेड यहाँ पे आपके ड्राइवर हैं सारे मीडियाटेक के ड्राइवर को आपको कर देना है इंस्टॉल। ये बेसिकली क्या होता है, जब हमारे पुराना वर्जन होता है, जो मीडियाटेक का जो गाइस पुराना वर्जन होता है उसके कारण ये होता है गाइस। तो आपको यहाँ पे मैं इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ, जो भी स्टेप मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ आप भी वही स्टेप फॉलो करेंगे क्योंकि ये हमारे स्टूडेंट का पीसी है, मैं आपको यहाँ पे दिखाने कोशिश कर रहा हूं। तो ये फटाफट आपको कर देना है गाइस, सारे यहाँ पे जो भी आपके कॉलकॉम ओप्पो मीडियाटेक के जो भी ड्राइवर हैं आप मीडियाटेक से रिलेटेड सारे ड्राइवर को कर देंगे इंस्टॉल। तो ये स्टेप आप स्टेप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा गाइस, तब आपको जा करके प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। तो ये हमारा अभी इंस्टॉल अनइंस्टॉल हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, जितने भी और भी मीडियाटेक के ड्राइवर हैं वो सारे को कर लेना है, आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल कर लेना है गाइस। तो जैसे कि अभी थोड़ा सा देख सकते हैं मैं सारा यहाँ पे मीडियाटेक के जितने भी ड्राइवर हैं मैं यहाँ पे वन बाई वन जितने भी मीडियाटेक के ड्राइवर हैं मैं उसको कर दे रहा हूँ इंस्टॉल गाइस। यहाँ पे भी देख सकते हैं यस, यहाँ पे भी आपको कर देना है और इसके बाद सारा स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे कर रहे हैं गाइस। तो उसके बाद गाइस आपको देख सकते हैं यहाँ पे सारे मीडियाटेक से रिलेटेड जितने भी ड्राइवर हैं आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर देना है वन बाई वन, कोई भी मीडियाटेक का ड्राइवर यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो ये देख सकते हैं मैं यहाँ पे वन बाई वन जितने भी ड्राइवर हैं मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ इंस्टॉल गाइस। उसके बाद
फिर जो मैं स्टेप कर रहा हूँ, आपको स्टेप को भी सारे स्टेप को फॉलो करना है वन बाई वन। तो यहाँ पे मैंने इंस्टॉल कर दिया गाइस, ये हमारे जो स्टूडेंट का पीसी थोड़ा स्लो है, और बाकी आपको भी यही प्रोसेस करना है जो मैं यहाँ पे प्रोसेस कर रहा हूँ। और चलिए अब उसके बाद आपको क्या करना है गाइस, जैसे कि हमने यहाँ पे देख लिया, अब आपको करना है फिल्टर विजार्ड आपको खोल देना है। एक बार आप चेक कर लो और कहीं भी मीडियाटेक से रिलेटेड ड्राइवर हैं तो नहीं, इसलिए अगर होंगे तो सारे मीडियाटेक के ड्राइवर को आप इंस्टॉल कर देना है गाइस। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, फिल्टर विजार्ड यहाँ पे लिखना है आपको, फिल्टर विजार्ड आप लिखेंगे तो चलिए मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ फिल्टर विजार्ड, क्योंकि सब स्टेप बाय स्टेप आपको ही फॉलो करना है गाइस। जैसा कि आप यहाँ पे देखते हो, मैं हर एक चीज़ आपको यहाँ पे बताते रहता हूँ। तो आपको यहाँ पे लिखना है फिल्टर विजार्ड, आप लिखेंगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा जो लिवस का ड्राइवर जो सेटअप होता है वो यहाँ पे आपको सेटअप ओपन हो जाएगा। इसको कर लेना है ओपन। अब ये देख सकते हैं जो भी फिल्टर है आपको सारे फिल्टर्स को कर देना है रिमूव। यहाँ पे जो फिल्टर्स है गाइस, यहाँ पे सारे फिल्टर्स को आपको कर देना है रिमूव। जब ये सारे फिल्टर्स हो जाएंगे रिमूव गाइस, आपको एक बार और ट्राई कर लेना है। अगर एरर आ रहा है तो आप यहाँ पे एक बार और ट्राई कर लो। जो भी फिल्टर्स हैं यहाँ पे, फिल्टर्स को आपको रिमूव कर लेना है। जब आप ये फिल्टर्स रिमूव हो जाएंगे, उसके बाद जो ये लिवर्स का ड्राइवर है, आपको लिवर्स का जो ये सेटअप है इसको भी अनइंस्टॉल करना है गाइस। कंट्रोल पैनल में जा करके इसको भी आपको इंस्टॉल करना है, क्योंकि अगर ये और मीडियाटेक का जो ड्राइवर होता है, अगर ये ओल्ड वर्जन होता है और आपका पीसी अपडेट हो जाता है गाइस, तो ये फॉल्ट आ जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिवर्स ड्राइवर को सारा यहाँ पे कर दिया है हमने। एक बार और आपको कर देना है, जिससे आपको फिनिश तरह से मतलब सक्सेस तरीके से डन हो जाए। अभी जब हो जाएगा गाइस, तो अब आपको क्या करना है, फिर से कंट्रोल पैनल पे जाना है। कंट्रोल पैनल पे जाने के बाद आपको इसको लिवर्स को भी अनइंस्टॉल कर देना है। तो एक बार आप फिर से फिल्टर को रिमूव कर दें, तो मैं यहाँ पे फिर से एक बार रिमूव कर दे रहा हूँ, जिससे हमारा ये सक्सेस हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे कर दूंगा कैंसिल। कैंसिल करने के बाद गाइस, अब आपको जाना है फिर से कंट्रोल पैनल पे जाना है, और कंट्रोल पैनल पे जाने के बाद जो हमारे लिवर्स का ड्राइवर सेटअप है इसको भी यहाँ पे कर देना है अनइंस्टॉल। तो ये मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ अनइंस्टॉल गाइस, जैसा कि आप वहाँ पे देख रहे हैं। अब डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा गाइस, उस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक, ये अनलॉक टूल की तरफ से एक ड्राइवर का पैकेज है, तो आपको डाउनलोड कर लेना है। मैं आपको अभी दिखा दूंगा, तो आप उसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। ये इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है गाइस, ये अनइंस्टॉल हो गया। अनइंस्टॉल होने के बाद अब आपको मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, उस लिंक से जा करके ये अनलॉक टूल के साइड में भी आपको मिल जाएगा गाइस। ऐसा नहीं है, आप unlocktool.net के साइड में भी जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको डाउनलोड करना है। ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है गाइस। अब इसको मैं ओपन कर लूँगा और इसको मैं इंस्टॉल कर लूँगा। ये देख सकते हैं ये अनलॉक टूल की तरफ से एक ड्राइवर पैकेज है, तो इसको आपको रन कर देना है गाइस। ये देख सकते हैं यस कर देना है आपको। और अगर गाइज ये देख सकते हैं, ये आ गया आपका ड्राइवर, सारे ड्राइवर आ गए यहाँ पे, लिवर्स के भी, एमटीके के सारे ड्राइवर आ गए। अब इसको कर देना है इंस्टॉल गाइज। अगर ये काम आपका नहीं करता है तो आपको लेटेस्ट वर्जन लिवर्स का सेटअप चलाना है अगर, और नहीं तो एमटीके का जो कॉलकम एमटीके ड्राइवर आता है उसको आपको लेटेस्ट वर्जन यूज़ करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा विजार्ड खुल चुका है। अब एक बार आपको पोर्ट बना करके आपको इसको लिवर्स में सेटअप में जा करके अपने जो पोर्ट आएगा मीडियाटेक का उसको कर लेना है स्कैन गाइज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे ड्राइवर को हमने कर लिया है इंस्टॉल। अब यहाँ पे अगर आप मान लीजिए बाई चांस ये मेथड काम नहीं करता है, तो आपको क्या करना है, लेबस का जो यहाँ पे जो हमारा लेटेस्ट वर्जन होगा वो डाउनलोड कर लीजिएगा, और एमटीके का जो ड्राइवर होगा लेटेस्ट वर्जन आप वो डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि अभी ये जो वीडियो बन रहा है हो सकता ये डाउनग्रेड हो, फिर हो सकता है जो अपडेट है। अब आपको क्या करना है, फोन को कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद एक बार पोर्ट में अगर आपका एरर आता है, तो उस पोर्ट को एरर में आप तो फिल्टर विजार्ड में जा करके आप उसको एक बार पोर्ट को स्कैन कर लेंगे, मतलब फिल्टर कर लेंगे गाइस। तो देखिए कमांड दिया है यहाँ पे। कमांड देने के बाद अब एक बार हम डिवाइस मैनेजर में आपको चेक करा देते हैं। डिवाइस मैनेजर में चेक करने के बाद गाइज, जो हमारा पोर्ट है, अगर कुछ इस तरीके का एरर आता है, तब तो आपको क्या करना है कि ये देखिए मैं डिवाइस मैनेजर खोल लेता हूँ। डिवाइस मैनेजर खोलने के बाद अभी देखिए कुछ इस तरीके का एमटीके का एरर आता है, तो आप फिर से जा करके लिवर्स में जा करके आप अपने पोर्ट को फिल्टर कर लीजिए। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा गाइस, ये मैंने फिल्टर विजार्ड में जा करके, ये अभी फिल्टर विजार्ड खोलेंगे, फिल्टर विजार्ड में जा करके आपको इसको ड्राइवर को स्कैन कर लेना है, फिल्टर कर लेना है सेलेक्ट करके। अगर ये प्रोसेस आपका काम हो गया, अब वो जो आपका जो प्रॉब्लम था वो 100% सॉल्व हो जाएगा। अब रही बात एमटीके का ड्राइवर, तो एमटीके का ड्राइवर गाइस आपको अगर ये वर्जन काम नहीं करता है तो आपको यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करके जरूर बताएं। बट ये जो प्रॉब्लम है गाइस, अब वो प्रॉब्लम नहीं आएगा जैसे कि आपने देखा यहाँ पे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।